फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग कल पढ़ रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति व उद्विकास, ये टॉपिक हम लोग कर रहे थे, ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड सॉरी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। और हमने आपको बताया था कि ये दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो ओरिजिन और एक इवोल्यूशन, हमने कल बताया था। कुछ नए स्टूडेंट हैं, एक दो चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति और उद्विकास। उत्पत्ति से क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी हाइपोथेसिस हैं, जितनी भी संकल्पनाएं हैं, जो नए हैं वो लिख लीजिए। डिस्क्राइब अबाउट द हाइपोथेसिस रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द अर्थ, डिस्क्राइब अबाउट द हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ विथ क्रिटिसिज्म, आलोचना के साथ क्या है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, आलोचना के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाओं का वर्णन करें, ये क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, हमने आपको फिर से हमने आपको चार्ट बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति की जो संकल्पनाएं हैं, जो हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ को हम दो पार्ट में बांटते हैं। हम इसको बोलते हैं एक प्राचीन संकल्पना, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और एक आधुनिक, मॉडर्न। क्लासिकल एंड मॉडर्न, हम फिर प्राचीन को फिर हम दो भाग में बांटे थे, है ना, एक तारक, एकल तारा और द्वैतारक, हमने बताया था। संकल्पना, नीचे संकल्पना हम छोड़ रहे हैं, मतलब मोनोइस्टिक एंड ड्यूलिस्टिक। फिर हमने, देखिए हम कल भी ये बात बोले थे कि आप बुक में पढ़िएगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आप लास्ट में जब पढ़िएगा तो लास्ट में साफ लिखा हुआ रहता है कि इस संकल्पना को मान्यता नहीं दी गई। संकल्पना है ज़रूर, लेकिन उसको विद्वानों ने मान्यता नहीं दिया, उसको इग्नोर कर दिया, तो उसको नहीं लिखना है। मात्र चार कॉन्सेप्ट को मान्यता दी गई, वो वैलिड हैं, वो थोड़ा सा क्या है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स के वो करीब हैं, इसीलिए उनको मान्यता दिया गया। बाकी बहुत सारे हैं, अंतरतालक तारक, धूल संकल्पना, तो महाविस्फोट सिद्धांत बहुत है, वो सब नहीं लिखना। सुपरनोवा हाइपोथेसिस, वो सब नहीं लिखना है। एकल तारा में हमने बताया था कांट का गैसीय संकल्पना, जो नए हैं लिख सकते हैं, गैसियस कॉन्सेप्ट ऑफ कांट, है ना, गैसियस कॉन्सेप्ट ऑफ कांट। दूसरा हमने बताया था लाप्लास का निहारिका संकल्पना, मतलब नेबुलर कॉन्सेप्ट ऑफ लाप्लास, ये एकल तारा में है। एकल तारा क्या बोलता है कि पूरे सौरमंडल और पृथ्वी कि चूंकि हमारा जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, तो जब सोलर सिस्टम बन रहा था तो अर्थ भी बना, तो पूरे सोलर सिस्टम एंड हेंस अर्थ, है ना, इज फॉर्म्ड बाय वन यूनी स्टार या वन स्टार, सिंगल स्टार, मतलब पूरे सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति केवल एक तारे से हुई है। और द्वैतारक, ड्यूलिस्टिक, ये मानता है कि पृथ्वी या सौरमंडल की उत्पत्ति जो है के लिए दो तारे रिस्पॉन्सिबल है, दो तारे। तो यहाँ पर दो तारे में जो हैं, ये दो तारे में दो कॉन्सेप्ट फिर पढ़ना है आपको। एक पढ़ना है जीन्स व जेफरीज का ज्वारीय संकल्पना,
और दूसरा चैम्बरलिन, इसको इंग्लिश में बोले थे टाइडल हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स एंड जेफरीज, और दूसरा चैम्बरलिन, चैम्बरलिन का ग्रहाणु। ये सब हम रिपीट कर रहे हैं एक दो दिन, फिर हम नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है, समय मेरे पास कम है और हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। चैम्बरलिन्स प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, चैम्बरलिन्स प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और जेफरीज और चैम्बरलिन, इन्होंने माना कि सौरमंडल, सोलर सिस्टम और अर्थ जो है आर फॉर्म्ड बाय टू स्टार्स, दो स्टार से बने हैं, दो तारे से बने हैं, और आधुनिक में एक लिखेंगे बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत है ये। हमने कल बताया था कि संकल्प, ये सबको संकल्पना लिखेंगे, लेकिन ये सिद्धांत, क्योंकि हमने दोनों में अंतर भी बताया था। संकल्पना का मतलब होता है कि जो साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है, एज्यूम किया हुआ है, जो वैज्ञानिक रूप से प्रूव नहीं है, उसको केवल माना गया है, और सिद्धांत का मतलब है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, उसको बहुत सारे साइंटिफिक थ्योरीज के द्वारा प्रूव किया गया है। तो ये याद रखेंगे बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। तो ये हमने बताया था, फिर हमने क्वांट का चर्चा किया था, फिर से थोड़ा सा देख लीजिए दो मिनट, उसके बाद हम लोग कल से रिवीजन वैसे नहीं करेंगे, है ना। देखिए कांट का कहना है कि शुरू में ब्रह्मांड में क्या थे, बहुत सारे पदार्थ बिखरे हुए थे, इन द बिगनिंग, है ना, क्या है, मेनी मटेरियल्स वेयर प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म। ब्रह्मांड में, ध्यान से सुनिए, प्रारंभ में ब्रह्मांड में कुछ पदार्थ बिखरे हुए अवस्था में थे, जिसका नाम उसने क्या दिया, आद्य पदार्थ, प्रीमॉर्डियल, मॉर्डियल मैटर, ये हमने आपको बताया था, प्रीमॉर्डियल मैटर, ठीक है, प्रीमॉर्डियल मैटर थे जो बिखरे हुए थे। इन्होंने बोला कि इनके कांट के पहले न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ को प्रपोज कर दिया था, पोस्टुलेट कर दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन्होंने इसका चर्चा किया। अच्छा, एक चीज़ और बोला, ये आदि पदार्थ कैसे थे, ठंडे व गतिहीन, मोशनलेस एंड कूल, लिख लीजिएगा मोशन, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये पदार्थ जो है। अच्छा, और ये क्या क्या चीज़ का बना हुआ था, ये भी हमने बताया था, ये गैस और धात्विक कण से बना था, लेकिन गैस की मात्रा ज़्यादा थी, इसीलिए इनकी संकल्पना को गैसीय संकल्पना कहा जाता है। गैसीय संकल्पना कहने का मेन कारण यही है, क्योंकि अधिकांश पार्ट ये आद्य पदार्थ गैस से बना हुआ था। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या हुआ, ये एक दूसरे के नज़दीक आए, जब नज़दीक आए तो उनमें टक्कर हुआ, कॉलिजन हुआ, कॉलिजन हुआ, है ना, और कॉलिजन होने के कारण उनमें हीट प्रोड्यूस हुआ। ऐसे ही फिगर बनाइएगा, हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस होने के कारण इसमें एक गति उत्पन्न हुआ, गति, और वो घूर्णन गति, वो अपने अक्ष पे घूर्णन करने लगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट गलत है, यहीं पे क्वांट मार खा गए, ये कॉन्सेप्ट गलत है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए गलत है कि हीट प्रोड्यूस होने से किसी बॉडी में ये तो हीट तो समझ में आ रहा है कि टक्कर हुआ तो हीट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन घूर्णन गति कैसे हुआ वो गलत उन्होंने बोला। उन्होंने कह दिया कि हीट प्रोड्यूस हुआ जिससे इसमें रोटेशनरी मोशन हुआ। अब इस घूर्णन गत, अब ये, अब देखिए, और ये गर्म हो गया, ठंडा से वो गर्म हो गया, हॉट हो गया, क्लियर है, ये हॉट हो गया, ठीक है। हॉट जब हुआ तो क्या हुआ, इसी को उन्होंने नाम दिया निहारिका, इसको नाम दिया नेबुला। अब किन्होंने पूछा कि नेबुला को समझा दीजिए, निहारिका जो होता है वो तारे का, ध्यान से सुनिए, वो तारा का पहला माने इनिशियल स्टेज होता है। जैसे हम लोग
जन्म लेते हैं तो बच्चा है, एक बच्चा होता है, बच्चा से जवान होता है, जवान से बड़ा होता है, वैसे ही तारे का भी जन्म होता है। और तारा का जो शुरू है, जो इनिशियल स्टेज है, वो निहारिका है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि तारे का जो प्रारंभिक रूप है उसको क्या बोलते हैं, निहारिका, समझिए। अब ये निहारिका क्या होता है, निहारिका और तारा में बस फर्क इसी बात का है कि जब इसमें इस निहारिका में अपना प्रकाश हो जाता है, वो प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है, वो लाइट इमिट करने लगता है, तो वो बन जाता है तारा। वो क्या बन जाता है, स्टार। जब नेबुला, व्हेन नेबुला इमिट्स इट्स ओन क्या लाइट, देन इट कन्वर्ट्स इन स्टार। कैमरा ऑफ कीजिए, कैमरा ऑफ कीजिए। जब किन्हीं का कैमरा ऑन है, ऑफ कीजिए। हाँ देखिए, जब, फिर से सुनिए, जब निहारिका का अपना एक प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है तो वो तारा बन जाता है। तो यहाँ उसकी चर्चा नहीं करनी है। अच्छा, तो हम एक चीज़ थोड़ा सा, वहाँ कल हम थोड़ा सा मिस्टेक से, मेरे दिमाग से उतर गया था, हम गलती बता रहे थे। ये जब हीट प्रोड्यूस हुआ तो हम कल बोल दिए थे, थोड़ा सुधार लीजिएगा, हमने बोल दिया था संकुचन होता है, संकुचन नहीं होता है, इसका प्रसार होता है, गलती से बोल दिए थे। दिमाग में हमको लग रहा था कि हम वही बोल रहे हैं, लेकिन प्रसार बोलने की जगह संकुचन बोल दिए, एक्सपेंशन लिख दीजिएगा जो संकुचन लिखे हैं। चूँकि गर्म होता है तो कोई चीज़ फैलता है, सिकुड़ता नहीं है, है ना, तो इसका एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन हुआ और इसका आकार भी बढ़ने लगा, साइज बढ़ने लगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, आकार में वृद्धि। चूँकि देखिए इसका कारण क्या है, हीट प्रोड्यूस होना, जब हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस होने के कारण उसमें प्रसार होगा, है ना, तो वो एक्सपैंड करेगा, और एक्सपैंड करके इतना बड़ा बन गया। जब ये बड़ा बना तो इसमें दो फोर्स लग रहा था, एक सेंट्रीफ्यूगल और एक सेंट्रीपिटल। देखिए यहीं पे कल हम मिस्टेक थोड़ा सा किए थे, सेंट्रीपिटल फोर्स जब होता है तो वो, जब सिकुड़ता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लगने लगता है, और जब फैलता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा लगने लगता है। तो यहाँ पर इसका आकार में जब वृद्धि हुआ और घूर्णन गति भी बहुत तेज़ी से करने लगा, है ना, रोटेशनरी मोशन ऑफ नेबुला ऑल्सो इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, रोटेशनरी मोशन ऑफ नेबुला इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, आकार में वृद्धि होने के कारण उसका घूर्णन गति बढ़ गया। देन ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीडेड देन सेंट्रीपिटल फोर्स, इस कारण केंद्र अपसारी बल केंद्र अभिसारी बल से ज़्यादा लगने लगा। और जब ये ऐसा हुआ तो इससे, इसके केंद्र से, देखिए इसका केंद्र, केंद्र और इसके बाकी पार्ट के बीच क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, ये अनबैलेंस हो गए। अनबैलेंस होने के कारण इससे 9 छल्ले निकले, 9 रिंग्स निकले, और वही 9 छल्ले जो हैं क्या में कन्वर्ट हो गए, ग्रह में, प्लैनेट्स, और उसी में से एक पृथ्वी है, है ना। ड्यू टू दिस 9 रिंग्स वेयर थ्रोन ऑफ फ्रॉम सेंटर ऑफ, 9 रिंग्स वेयर थ्रोन ऑफ फ्रॉम सेंटर ऑफ नेबुला, एंड दीज 9 रिंग्स कन्वर्ट इन प्लैनेट्स आफ्टर कंडेंसेशन एंड कूलिंग, ये संघनन और ठंडे होने के बाद 9 क्या में बदल गए, ग्रहों में, और 9 ग्रह में बदले, जिसमें से एक ग्रह कौन है, हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी ऐसे बनी, पृथ्वी इसी 9 छल्ले में से एक छल्ला है। ये आपका कॉन्ट का, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमने इसका आलोचना बताया था, 2-3 आलोचना हमने बताया था। पहला आलोचना बताया था कि ही डिडंट एक्सप्लेन अबाउट द सोर्स ऑफ प्रीमोडियल, ही डिडंट एक्सप्लेन अबाउट द सोर्स ऑफ प्रीमोडियल मैटर, आद्य पदार्थ कहाँ से आया, किस स्रोत से आया, इसकी चर्चा उन्होंने नहीं की। दूसरा, मतलब आद्य पदार्थ का स्रोत क्या था,
आद्य पदार्थ का स्रोत क्या था उसका चर्चा नहीं किया। दूसरा, उन्होंने जो बोला कि हीट से, उष्मा से घूर्णन गति प्रोड्यूस होता है, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड नॉट मैच्ड विथ मैकेनिज्म ऑफ साइंस। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये कथन जो है गलत है और विज्ञान के यांत्रिकी से वो मैच नहीं करता है। कहीं भी विज्ञान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हीट प्रोड्यूस होने से घूर्णन गति होता है, हीट प्रोड्यूस होने से रोटेशनरी मोशन प्रोड्यूस होता है। ये सेकंड इसका जो है, मतलब उष्मा और घूर्णन गति का जो संबंध है वो गलत है। रिलेशन ऑफ हीट एंड रोटेशनरी मोशन इज टोटली रॉन्ग। तीसरा, वाई नाइन रिंग्स, वाई ओनली नाइन रिंग्स थ्रोन ऑफ फ्रॉम सेंटर ऑफ नेबुला, निहारिका के केंद्र से केवल 9 छल्ले ही क्यों निकले, वाई इट इज नॉट मोर देन 9 और लेस देन 9, ये क्यों नहीं 9 से ज़्यादा हुआ और 9 से कम हुआ। तो इतने सारे नोट्स में लिखे हुए हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, मंडे से नोट्स प्रोवाइड करना शुरू हो जाएगा। आप लोग जिनका एडमिशन नहीं है वो एडमिशन ले ले, है ना, और जो पुराने स्टूडेंट है वो भी थोड़ा नए ये में कन्वर्ट हो जाए, है ना, नया जो हम नए तरीके से पढ़ा रहे हैं उसमें कन्वर्ट हो जाए। चलिए, दूसरा, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लाप्लास का निहारिका संकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैपलास। इसको पढ़ेंगे, ये क्या बोलता है इसको समझिए। ये कहता है, अब समझिए, कांट का बहुत सारा डिमेरिट को इसने दूर किया, कांट के बहुत सारे डिमेरिट्स को दूर किया। कांट ने बोला कि सबसे पहले आद्य पदार्थ था, इसने बोला कि नहीं, सबसे पहले ब्रह्मांड में इन द बिगनिंग अ बिग नेबुला वॉज प्रेजेंट इन स्पेस या इन यूनिवर्स। इसने बोला कि प्रारंभ से ही, पहला स्टेज, प्रारंभ से ही एक बड़ा, एकदम कांट का जस्ट अपोजिट थ्योरी है ये, अपोजिट कॉन्सेप्ट है, सॉरी थ्योरी बोल रहे हैं, अपोजिट कॉन्सेप्ट है, अपोजिट हाइपोथेसिस है। इसने बोला कि इन द बिगिनिंग, शुरू से ही ब्रह्मांड में एक निहारिका, ये निहारिका प्रेजेंट था और जो कैसा था, गर्म व गतिशील, मतलब ये ऑलरेडी घूर्णन गति कर रहा था। तो सारा लफड़ा ही खत्म हो गया कि घूर्णन गति कैसे कर रहा था और गर्म कैसे हुआ, ये सारा लफड़ा ही खत्म हो गया, ठीक है ना, जो कांट में था। कांट को का सबसे बड़ा जो आलोचना, क्रिटिसाइज जो हुए वो इसी वजह से हुए, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया एट इनिशियल या इन द बिगनिंग देयर वॉज अ बिग नेबुला इन प्रेजेंट इन, है ना, स्पेस विच वॉज हॉट एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा था। अब देखिए हुआ क्या कि चूंकि गर्म था और जब वो रोटेट कर रहा है, ध्यान से देखिए, तो आप पढ़े होंगे साइंस में, जब कोई वस्तु कार्य करता है, when anybody works, तो उसे एनर्जी लॉस होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला उष्मा का उत्सर्जन हुआ, धीरे धीरे उत्सर्जन हुआ विकिरण के रूप में। याद रखिएगा, उष्मा का बहुत तरीके से उत्सर्जन होता है, रेडिएशन के रूप में, मतलब लॉस ऑफ हीट, है ना, ड्यू रेडिएशन। देखिए एकदम उल्टा है कांट का, कांट ने बोला हीट निकला, मतलब उससे वो गर्म होने लगा, और इन्होंने बोला कि उससे उष्मा का उत्सर्जन हुआ थ्रू रेडिएशन, जिससे इसका आकार छोटा हो गया,
इसमें संघनन हुआ, मतलब इस देखिए वो बोला था फैला, एक्सपेंड किया, और ये बोला कंडेंस। तो सेकेंड स्टेज ये हुआ, उसमें संघनन हुआ, वो शीतलन, शीतलन भी हुआ, कूलिंग दोनों हुआ, चूंकि हीट निकल रहा है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो इन्होंने सेकेंड स्टेज बोला कि उस संघनन और शीतलन हुआ, सॉरी जिससे उसका आकार छोटा हो गया, ये आकार छोटा, साइज जो है वो छोटा हो गया, आकार छोटा, ठीक है, आकार स्मॉल। अब देखिए स्मॉल साइज, ठीक है, थर्ड स्टेज स्मॉल, उसका साइज स्मॉल हुआ, और इन्होंने कांट की सारी गलतियों को दूर किया, और इन्होंने सही बोला, जब आकार छोटा हुआ तब घूर्णन गति बढ़ता है। याद रखिए, आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे कि रोटेशनरी मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जड़त्व, आपने पढ़ा होगा, है ना, जड़त्व, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, तो हाँ समझ गया ना। तो जड़त्व का आप पढ़े होंगे कि रोटेशनरी मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया, है ना, ये रोटेशनरी मोशन का एक रूल है, तो ये सही है। और मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो होता है, जड़त्व जो होता है, जितना ज़्यादा छोटा और संघनित होगा, जितना ज़्यादा उसका आकार छोटा और कंडेंस होगा, उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, और जब जड़त्व ज़्यादा होगा तो उसमें घूर्णन गति भी ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब है कि उसका घूर्णन गति भी बढ़ गया, है ना, इंक्रीज्ड द रोटेशनरी मोशन। फिर से समझिए, बिग नेबुला था, हीट का रेडिएशन से लॉस हुआ, कंडेंस और कूल हुआ, तो वो धीरे धीरे छोटा आकार हो गया, जब छोटा आकार हो गया तो उसका रोटेशनरी मोशन इंक्रीज्ड। जब रोटेशनरी मोशन इंक्रीज्ड हुआ, अब देखिए कांट फिर यहाँ पे गलती बोला था, उसने बोला था कि एक्सपैंड होता है, इन्होंने बोला कि जब रोटेशनरी मोशन तेज हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे इसमें एक रोटेशनरी मोशन के तेज होने के कारण इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीड कर गया सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो यहाँ पे लिखेंगे घूर्णन गति बढ़ गया, घूर्णन गति बढ़ने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है केंद्र अपसारी बल, केंद्र अभिसारी बल से ज़्यादा हो गया, ड्यू टू एक्सेस रोटेशनरी मोशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीडेड दैन सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस कारण क्या हुआ कि इससे भी इन्होंने बोला कई छल्ले निकले, जो कांट ने गलती किया था, कांट ने 9 रिंग्स बोल के बहुत बड़ा गलती किया था, इन्होंने बोला कि सम रिंग्स वेयर थ्रोन ऑफ फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ ड्यू टू एक्सीडेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सम रिंग्स वेयर थ्रोन ऑफ फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ ड्यू टू एक्सीडेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इस तरह। तो याद रखिएगा दोनों में फर्क, कांट ने 9 रिंग्स बोला था, जिसकी बाद में आलोचना हुई, जिसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, उसी को इन्होंने सुधार के बोला मेनी रिंग्स, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है ना। ठीक है, हाँ देखिए, तो
इस तरह से ये एंड वन रिंग कन्वर्ट्स इन अर्थ, वन रिंग एक रिंग जो है, एक छल्ला जो है पृथ्वी के रूप में परिवर्तित हो गया आफ्टर कंडेंसेशन एंड कूलिंग, मतलब धीरे धीरे वो रिंग कंडेंस हो गया और ठंडा हो गया तो पृथ्वी बन गया, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ है, तो इतना कुछ आप इसमें चर्चा करेंगे। क्लियर हुआ कि कुछ कंफ्यूजन है? बोलिए, किन्हीं को कंफ्यूजन है? क्लियर है? मतलब हाँ, कॉन्ट को पलट दीजिए, सारा कुछ उल्टा कर दीजिए। देखिए दोनों को कंपेयर करके पढ़िए। कांट ने बोला था कि उसका आकार बढ़ रहा है, तो आकार बढ़ रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है सेंट्रीपिटल से। इसने बोला कि नहीं, आकार छोटा हो गया और आकार छोटा होने के कारण क्या है, उसका कंडेंसेशन हुआ, आकार छोटा हुआ। तो साइंस का ये थ्योरी है कि आकार छोटा होता है, कंडेंसेशन होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया बढ़ता है, और मोमेंट ऑफ इनर्सिया बढ़ता है तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल उसका रोटेशनरी मोशन भी बढ़ता है। जबकि कांट ने टोटली रॉन्ग बोला। चलिए अब इसका आलोचना, पहला आलोचना इसने जो बोला कि नेबुला था वो तो मान लिए था, लेकिन उसने एक गलत कर दिया, हॉट था और मोशन था। तो सबसे पहला चीज है कि उष्मा मतलब निहारिका के उष्मा व गति के स्रोत का वर्णन नहीं किया, कहाँ से आया, ये एक डिमेरिट था। ही डिडंट एक्सप्लेन अबाउट द सोर्स ऑफ हीट एंड मोशन इन नेबुला। ही डिडंट एक्सप्लेन अबाउट द सोर्स ऑफ हीट एंड मोशन ऑफ नेबुला। ये सबसे पहला गलती था, ठीक है। दूसरा डिमेरिट इसका था कि इन्होंने ये बोला कि जो नेबुला है वो धीरे धीरे ठंडा हो गया। तो जब ठंडा हो गया तो पृथ्वी जो अर्थ है या जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको भी बहुत ठंडे होने चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी का कोर जो है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, जब संघनन होता है, जब कंडेंसेशन होता है तो इतना कंडेंसेशन हो जाएगा तो ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, इन्होंने बोला कि बार बार जो है विकिरण हो रहा है, रेडिएशन के थ्रू उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। फिर से सुनिए, बार बार विकिरण के द्वारा उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो कंडेंस होके उसको ठंडा होके ठोस रूप में बदल जाना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि पृथ्वी भी, देखिए पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो गर्म है और पिघली हुई अवस्था में है, जो इनके कॉन्सेप्ट को गलत बोलता है, ठीक है। तो लिखिए, ही डिडंट एक्सप्लेन अबाउट या ही डिडंट एक्सप्लेन दैट वाई द कोर ऑफ अर्थ इज इन मॉल्टेन स्टेट, हॉट एंड मॉल्टेन स्टेट, इवन इट शुड सॉलिड स्टेट आफ्टर कंडेंसेशन, इट शुड बी सॉलिड इन सॉलिड स्टेट आफ्टर कंडेंसेशन। मतलब इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग के पिघली हुई अवस्था होने का कारण मतलब एक्सप्लेन नहीं किया है क्यों हुआ, जबकि ये सब लिखा हुआ है, केवल समझिए सुनिए। जबकि कंडेंसेशन के बाद कोई भी चीज़ ठोस हो जाता है जबकि वह पिघली अवस्था में है, ठीक है। इनका दो डिमेरिट है, कांट से ज़्यादा इसको वैल्यू दिया गया, बहुत ज़्यादा। देखिए एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा डिमेरिट लिखने से बचिए, दो तीन डिमेरिट जो ठोस ठोस डिमेरिट है वही आप लिखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, समझ गए आप लोग लैपलेस और कांट दोनों को, सब लोग समझ गए, क्लियर है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी या ड्यूलिस्टिक, ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस।
इस ये मानता है कि सौर्यमंडल व पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारे से है ना दिस हाँ बोलिए चलिए अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ है ना द ओरिज कुछ बोल रहे हैं क्या नहीं चलिए द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ है ना वेयर ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू स्टार्स है ना टू स्टार्स अब इसका पहला जो हाइपोथेसिस है वो है जेम्स जीन्स वो है ना जेफरीज का ज्वारीय संकल्पना समझिए ध्यान से समझिएगा ठीक है ये क्या मानता है कि इन द बिगिनिंग ब्रह्मांड में दो तारे थे ब्रह्मांड में एक मिनट रुकिएगा दो तारा था एक जो था वो सन था ठीक छोटा वाला और बड़ा वाला को उन्होंने बोला नेबरिंग NEIGHBOURING नेबरिंग स्टार पड़ोसी या साथी तारा या इंट्रूडिंग नेबरिंग और इंट्रूडिंग दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं देखिए इन्होंने क्या बोला इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड में दो तारे पहले से मौजूद थे ब्रह्मांड में पहले से दो तारे मौजूद थे अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस टू स्टार्स वेयर है ना प्रेजेंट इन स्पेस इन यूनिवर्स फ्रॉम बिगिनिंग वन स्टार वॉज सन एंड अदर स्टार वॉज नेबरिंग स्टार और इंट्रूडिंग स्टार एक तारा सूर्य था और दूसरा तारा साथी तारा था सूर्य का आकार अपेक्षाकृत इससे छोटा था द साइज ऑफ लिख सकते हैं सूर्य का आकार इससे छोटा था ठीक है ना द साइज ऑफ सन इज कंपेरेटिवली स्मॉल देन इंट्रूडिंग स्टार साथी तारा से सूर्य का जो आकार था वो छोटा था समझ गए ये फर्स्ट स्टेज लिखिएगा अब देखिए धीरे धीरे सेकेंड स्टेज धीरे धीरे ये जो तारा है ये सूर्य के नज़दीक आ रहा था है ना ग्रेजुअली है ना द बिग स्टार या द नेबरिंग स्टार या द इंट्रूडिंग स्टार केम नियर टू द सन ग्रेजुअली धीरे धीरे है ना धीरे धीरे ये जो बड़ा तारा था या नेबरिंग स्टार था वो धीरे धीरे सेकेंड स्टेज वो सूर्य के नज़दीक आया और सूर्य के नज़दीक जैसे ही आया ध्यान से देखिएगा थर्ड स्टेज ये इस पर एक फोर्स लगाया एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जिसको इन्होंने टाइडल फोर्स बोला याद रखिएगा ज्वारीय बल अब एक फर्क है देखिए फर्क क्या है समझिए यहाँ पर हम गुरुत्वाकर्षण बल चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ हम ज्वारीय बल क्यों लिख रहे हैं ये भी किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है दोनों में फर्क है थोड़ा समझ लीजिए है ना गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो किसी भी चीज़ के केंद्र पे लगता है सेंटर पे और पूरे होल बॉडी को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स जबकि टाइडल फोर्स जो होता है किसी बॉडी के केवल अपर सरफेस को अट्रैक्ट करता है ये भी अट्रैक्शन फोर्स है ये भी अट्रैक्शन फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्शन फोर्स है एंड टाइडल फोर्स भी अट्रैक्शन फोर्स है बट बोथ देयर इज अ फ्यू डिफरेंस बिटवीन बोथ अट्रैक्शन फोर्सेज इन दोनों आकर्षण बल के बीच कुछ अंतर है हाँ द बेसिक डिफरेंस इज जो मूल अंतर है वो ये है कि दिस फोर्स एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ बॉडी ये आप लोग न्यूटन का पढ़े होंगे
है ना, कि सेंटर ये केंद्र पर लगता है, ये केंद्र और पूरे होल बॉडी को अट्रैक्ट करता है, और ये ज्वारीय बल जो होता है वो अपर सरफेस पे लगता है। तो किसी वस्तु के ऊपरी सतह, ये केंद्र को तक नहीं लगता है, किसी वस्तु के ऊपरी सतह को आकर्षित करने वाले बल को हम ज्वारीय बल बोलते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। द अट्रैक्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एक्ट्स ऑन अपर सरफेस ऑफ बॉडी नोन एज, लिख लीजिए कहीं पे, टाइडल फोर्स। तो देखिए कॉन्ट में हमने गुरुत्वाकर्षण वर्ड यूज किया था, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं यूज करेंगे, ज्वारीय बल यूज करेंगे, टाइडल फोर्स। तो हम लिखेंगे चूंकि इसका आकार बड़ा है इसीलिए इट एग्जर्ट इट एक्ट, क्या है ये, इस पर एक क्या कर रहा है, ज्वारीय बल। इट एग्जर्टेड दिस बिग स्टार एग्जर्टेड अ टाइडल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ सन थर्ड स्टेज। जैसे वो नजदीक आया ये क्या हुआ, सूर्य के ऊपरी सतह पर टाइडल फोर्स एग्जर्ट किया। ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज, ये थर्ड स्टेज हुआ। अब उस ज्वारीय बल के कारण, अब देखिए इधर बना रहे फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या हुआ कि सूर्य के ऊपरी सतह से एक फिलामेंट निकला, चूंकि ज्वारीय बल है ऊपरी सतह को अट्रैक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो ये चूंकि देखिए ये अभी सूर्य जो है गैस का गोला है, फायर बॉल ऑफ गैसेस, फायर बॉल ऑफ गैसेस उसको बोला। तो चूंकि गैस का गोला है तो ये इस तरह से फिलामेंट निकला इससे चौथा स्टेज में, किसके कारण, उस बिग स्टार के अट्रैक्शन के कारण फिलामेंट निकला, ठीक है। जैसे जैसे ये नजदीक आया, एज वेन इट केम आउट, केम वेरी नियर टू द सन, जैसे जैसे ही ये बड़ा तारा सूर्य के बिल्कुल नजदीक आया, इट्स टाइडल फोर्स ऑल्सो इंक्रीज्ड, इसका जो ज्वारीय बल है और बढ़ गया। जब बढ़ा तो क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, इसको टाइड बोलिएगा, सॉरी फिलामेंट नहीं, ज्वार उत्पन्न हुआ यहाँ था फोर्थ स्टेज में। और फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ, ये बाहर टूट के जैसे ही निकला वो एक फिलामेंट बन गया। अब ये फिलामेंट का एडवांटेज क्या था, इसका बीच वाला पार्ट जो है वो थिक था और ये वाला पार्ट जो था वो थिन था, इसीलिए इसको फिलामेंट बोला गया। बीच वाला पार्ट जो है वो चौड़ा था और किनारे वाला पार्ट जो है वो पतला था, और ये फिलामेंट हो गया। तो पांचवा स्टेज, फिलामेंट वॉज थ्रोन ऑफ फ्रॉम सरफेस ऑफ सन, ठीक है, ड्यू टू, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा अट्रैक्शन लगाने लगा। और इसका साइज ऐसा होने का कारण भी यही है, देखिए थोड़ा दूर था तो पतला वाला भाग निकला, थोड़ा नज़दीक आया तो उसका साइज बढ़ता गया, और फिर जब फिर दूर भाग गया तो ये फिर इधर वाला पार्ट पतला हो गया। फिर से समझिए इसका शेप ऐसा क्यों हुआ, जब दूर था तो जो टाइड प्रोड्यूस हुआ वो थोड़ा नैरो था, जैसे ही जैसे नज़दीक आया टाइड का आकार जो ब्रिड जो आकार है बढ़ता गया, और फिर जब ये टकराया नहीं, याद रखिएगा ये जो साथी तारा है ना वो फिर थोड़े देर के बाद वो अपने पाथ से होके दूर चला जाता है, तो जैसे ही दूर गया थोड़ा तो इसका साइज फिर पतला हो गया और इस ये फिलामेंट के जैसा निकल गया, ठीक है। और ये फिलामेंट जो है, अब समझिए ये फिलामेंट क्या हुआ, इसी से क्या हुए, इसका छठा लिखिएगा यहाँ पर कि ये जो फिलामेंट है वो फिर ब्रोकन हो गया, ब्रोकन डाउन, वो टूट गया और टूट के उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। बीच वाले से बृहस्पत जो बड़ा ग्रह है वो बना और धीरे धीरे इधर आप देखिएगा, ये सही है, देखिएगा कि सन के जो नज़दीक है वो छोटा ग्रह है, जैसे जैसे बढ़ते हैं साइज बड़ा होता है, ठीक है, तो बड़े और छोटे ग्रह बने, ठीक है ना, और कंडेंस हो गए, और कंडेंस जैसे ही हुआ तो बड़े और छोटे ग्रह बने जिसमें से एक पृथ्वी है,
एक पृथ्वी बना, और ये साथी तारा फिर क्या हो गया, फिर वो दूर चला गया, अपने पाथ से होके वो बाहर चला गया, माने सूर्य के पाथ से होकर सन के पाथ नज़दीक वाले पथ से बाहर चला गया, दूर चला गया। और ये चूँकि क्या है, इसके नज़दीक थे, सूर्य के नज़दीक थे, तो सब इसके चारों ओर अपने अपने पथ में चक्कर लगाने लगे। तो इस तरह जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। समझ गया कि फिर से समझाऊं मैं, समझे आप लोग? फिर से फिगर बना दें, देखिए फिगर बना दें, फिर से देखिए ऊपर से बनाते हैं। शुरू में क्या था, ये सन था और ये क्या था, बिग स्टार, बड़ा स्टार जिसको इंट्रूडिंग स्टार। सेकेंड स्टेज क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि ये इसके नज़दीक आया, सूर्य के ये नज़दीक आया, केम नियर टू द सन। थर्ड स्टेज जब नज़दीक आया और नज़दीक आया तो इस पर क्या बल लगाया, वो ज्वारीय बल लिखिएगा, टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स लगाया। उस टाइडल फोर्स के कारण चौथा स्टेज इसमें से क्या उत्पन्न हुआ, ज्वार, जिसको टाइड्स बोलते हैं, ज्वार उत्पन्न हुआ चौथा स्टेज, ठीक है। उसके बाद पांचवा स्टेज क्या हुआ, ये जो ज्वार है वो क्या, किस रूप में कन्वर्ट हो गया, फिलामेंट के रूप में। थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, और पांचवा स्टेज ये तारा था, ठीक है। और छठा स्टेज हो गया कि ये जो है, ये तारा जो साथी तारा है वो दूर चला गया, है ना, सूर्य से दूर चला गया, और ये टूट के, ये देखिए हुआ क्या कि ये कंडेंस हुआ, ये संघनित होने लगा ठंडा होकर, जब ठंडा होकर संघनित होने लगा तो वो टूटने लगा, कंप्रेस हुआ तो इतना दबाव पड़ा कि वो टूट गया, और टूट के वो ग्रह में बदल गया जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। क्या नहीं दिख रहा है, यहां पर फिलामेंट को अलग की, देखिए फिलामेंट को अलग कीजिए और छठा स्टेज में इस साथी तारा को दूर भगा दीजिए, और ये जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाने लगे, उसी में से एक पृथ्वी है, अर्थ है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसकी आलोचना देखिए, आप खुद से सोचिए, देखिए रट्टा मारिएगा तो समझ में नहीं आएगा, खुद से सोचिए। पहला स्टेज में इसका आलोचना कि कहां से ये दो तारे आए, इसका चर्चा नहीं की, आलोचना में लिखिए ही डिडंट एक्सप्लेन अबाउट द ओरिजिन ऑफ टू स्टार्स विच वेयर प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग। ही डिडंट एक्सप्लेन अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टार्स, टू स्टार्स विच वेयर प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग। इसने दो तारे जो शुरू से ब्रह्मांड में उपस्थित थे कहां से आए, उसके बारे में इसने चर्चा नहीं किया, ठीक है। लिख लिए। उसके दूसरा आलोचना जो है, हाँ दूसरा आलोचना यहां पर है, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा आलोचना यह है कि इन्होंने भी नौ ग्रह बोला था, ये जरूर जोड़िएगा यहां पर, इसका भी एक आलोचना, दो दो लोगों ने नाइन प्लैनेट्स बोला है, एक तो कांट ने बोला है और एक इन्होंने बोला है, मतलब जेम्स जीन्स और जेफरीज ने बोला है। तो यहां पर ही डिडंट एक्सप्लेन Why only nine planets were formed from filament? Yeah, were evolved out from nine from filament. उसने इस बात की चर्चा नहीं की कि क्यों फिलामेंट से नौ ग्रह ही बाहर निकले, ठीक है।
तीसरा चर्चा, अब देखिए तीसरा चर्चा इन्होंने ये बोला, ध्यान से देखिएगा कि ये साथी तारा आया और दूर चला गया, कहाँ गया? इसका आज तक कोई खोज नहीं हुआ कि गया कहाँ। और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये तो समझ में आया कि ये सूर्य है तो सोलर सिस्टम का एक पार्ट बन गया ये स्टार, लेकिन ये कहाँ गया? ठीक है, तो तीसरा आलोचना ये है, ही डिडंट एक्सप्लेन दैट द नेबरिंग और इंट्रूडिंग स्टार है ना डिसअपियर्ड और नॉट। उसने ये नहीं बताया कि वो साथी तारा क्षतिग्रस्त हो गया या नहीं, है ना, ये एक इसका डिमेरिट है। ठीक है, चलिए ये तीन चार डिमेरिट्स हैं, एक दो डिमेरिट्स और होंगे लेकिन आपको बेसिक बेसिक डिमेरिट्स लिखना है। चलिए अब देखिए, चैम्बरलीन का ग्रहाणु परिकल्पना, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलीन, प्लैनेटेसिमल ग्रहाणु परिकल्पना। इन्होंने भी वही माना जो सेम टू सेम है, सेम टू सेम आपका जेम्स जीन्स का, बस एक चीज का फर्क है। इन्होंने भी माना कि ब्रह्मांड में दो तारे थे, एक था सूर्य सन और दूसरा था साथी तारा। इन्होंने भी वो बोला कि साथी तारे का जो आकार था वो बड़ा था सूर्य से, साथी तारे का आकार सूर्य से क्या था, बड़ा था। ठीक है, तो इन्होंने भी ये माना, इन्होंने भी ये माना कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, सूर्य के नज़दीक आ रहा था, सूर्य के नज़दीक आ रहा था। लेकिन फर्क है थोड़ा सा, आप समझिए क्या फर्क है। इन्होंने ये थर्ड स्टेज में बोला कि ये इस पर, इन्होंने ज्वारीय बल नहीं बोला, उन्होंने बोला गुरुत्वाकर्षण बल, बस यहीं पे फर्क है। इन्होंने बोला कि ग्रेविटी, किन्हीं का कैमरा ऑन है, इन्होंने बोला कि द इंट्रूडिंग स्टार या साथी तारा जो है वो सूर्य पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, इंट्रूडिंग स्टार एग्जर्टेड अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सन, जिसके कारण क्या हुआ, चौथा स्टेज इन्होंने बोला कि सूर्य से छोटे छोटे कण बाहर निकले, जिसको उन्होंने ग्रहाणु नाम दिया, प्लैनेटेसिमल, इसीलिए इस थ्योरी का नाम है ग्रहाणु परिकल्पना, इस हाइपोथेसिस का नाम है प्लैनेटेसिमल। तो इन्होंने बोला कि छोटे छोटे प्लैनेट ग्रहाणु निकले, किसके अट्रैक्शन के कारण, ग्रेविटेशन के कारण, उस साथी तारा के ग्रेविटेशन के कारण, बाकी सब कुछ सेम है, दो जगह केवल बदल दीजिएगा, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल लिखिएगा इसमें चैम्बरलीन में, और ज्वार और फिलामेंट के जगह पर ग्रहाणु। ये ग्रहाणु जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने, अब देखिए ये ग्रहाणु क्या हुए, फिर आपस में कंडेंस हो गए ऐसे करके, पहले तो ग्रहाणु, सॉरी ये ग्रहाणु निकले, फिर पांचवा स्टेज क्या हुआ कि ये ग्रहाणु जो है वो आपस में कंडेंस हो गए, और कंडेंस हो के सूर्य के चारों ओर उसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण चक्कर लगाने लगे, और वो साथी तारा बाहर चला गया। ठीक है, तो सेम टू सेम चीज़ लिखना है कि दीज प्लैनेटेसिमल्स कंडेंस एंड कन्वर्ट इन प्लैनेट्स, है ना, विच रिवॉल्व, विच स्टार्ट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। बाद में ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसके चारों ओर क्या करने लगे, चक्कर लगाने लगे, एंड दिस इंट्रूडिंग स्टार एस्केप्ड आउट, है ना, फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ सन, सूर्य के ऑर्बिट से, सूर्य के कक्षा से वो बाहर चला गया और वो भाग गया, और यही इसमें से एक पृथ्वी है। तो क्लियर हो गया होगा आपका, सेम टू सेम चीज है, एक सन एक इंट्रूडिंग स्टार, ये केम नियर, नियर जब आया तो ग्रेविटी ही एग्जर्टेड
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सरफेस ऑफ सन, और सन के सरफेस से क्या निकले, प्लैनेटेसिमल्स, ग्रहाणु, और ये ग्रहाणु आफ्टर कूलिंग एंड कंडेंसेशन कन्वर्ट इन प्लैनेट्स, अमंग देम वन इज अर्थ। यही आपका चैम्बरलिन का ग्रहाणु परिकल्पना है। अब इसका डिमेरिट देखिए, इसका डिमेरिट में पहला डिमेरिट वही है कि ही डिडंट एक्सप्लेन अबाउट द ओरिजिन ऑफ सन एंड इंट्रूडिंग स्टार, उसने सूर्य और साथी तारा के उत्पत्ति का कारण नहीं बताया। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल, इतना ध्यान से देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो है पूरे बॉडी पे लगता है, पूरे बॉडी पे, तो यहाँ इसके सरफेस से ही क्यों निकला ये चीज। तो यहाँ पर एक चीज़ ये लिखना है कि वाई प्लैनेटिसिमल्स ओनली इवॉल्व्ड आउट फ्रॉम सरफेस ऑफ सन, ठीक है ना, बाय ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण केवल सतह से ही क्यों निकला ग्रहाणु, पूरे से क्यों नहीं निकला, यह दूसरा इसका डिमेरिट। तीसरा डिमेरिट वही लिखिएगा कि ये जो साथी तारा है वो कहाँ गया, है ना, कहाँ गया। तो ये तीन चार डिमेरिट्स लिख के हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका अगला जो है वो है आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक, जिसको हम लोग बिग बैंग संकल्पना नहीं बोलते हैं, सिद्धांत, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूव्ड है फिजिक्स के बहुत सारे मैकेनिज्म से, ये प्रूफ किया जा चुका है और इसको सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। इसको बेल्जियम के एक पादरी जॉर्ज लेमेंटर ने प्रपोज किया था। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज लेमेंटर, है ना, जॉर्ज लेमेंटर, पादरी वादरी नहीं लिखिएगा, जॉर्ज, बस केवल नाम जॉर्ज लेमेंटर। और उसने क्या बोला, देखिए, एक्चुअल में ये बिग बैंग सिद्धांत जो है वो पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का चर्चा करता है। दिस थ्योरी लिखिएगा इसको, दिस थ्योरी एक्सप्लेन अबाउट द ओरिजिन ऑफ होल यूनिवर्स, यह सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की चर्चा करता है। और चूंकि पृथ्वी एंड द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पृथ्वी जो है उसी ब्रह्मांड का एक भाग है, सो दिस ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इसीलिए ये पृथ्वी की उत्पत्ति की भी व्याख्या करता है, ऐसे लिखेंगे। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि एट इनिशियल, इन द बिगिनिंग, शुरू में, ध्यान से देखिएगा, हम इसको फिगर से बना रहे हैं, इसका फिगर बनाइएगा, शुरू में जो था पूरा ब्रह्मांड का बात बोल रहे हैं, एक क्या था, एक आग का गोला था, फायर बॉल था, है ना, फायर बॉल था, समझ रहे ना, और ये जो है ये फायर बॉल था, और इसमें जो है एक सुपर फोर्स का जो था वो सुपर फोर्स काम कर रहा था। सुपर फोर्स में चार बल काम कर रहे थे, चार फोर्स। चलिए इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे, कल हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे।